हेलो व्यूअर्स, आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे और आप सभी को मेरे चैनल पाकघर एंड लाइफस्टाइल में स्वागत है। तो आज का मौसम बहुत ही अच्छा है और आप लोग देख पा रहे हैं बाहर बारिश हो रहा है। गर्मी के मौसम में अगर बारिश हो जाए तो थोड़ा गर्म से राहत मिलता है। मुझे तो रेनी डेज पर्सनली बहुत पसंद है। आज मैं सोच रही हूँ एक केक बना लूँ और उससे पहले एक हैक भी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और ये देखिए, ये इंडियन पेनीवॉर्ट है जिसे हम असामीस में मानीमुनी बोलते हैं और हिंदी में ब्राह्मी, जो कि आपकी मेमोरी को एनहेंस करने में हेल्प करते हैं। और इस पेस्ट को आप आइस ट्रे या फिर इस तरह टिफ़िन में उसको भर के डीप फ्रीजर में रख दीजिए। इस तरह आप उसे स्टोर कर सकते हैं और जब भी मन करे उससे निकाल के आप ग्रेवी बना सकते हैं। और आइए तो फिर हम लोग केक की प्रिपरेशन भी कर लेते हैं। पहले मैं ये शुगर सिरप बना रही हूँ। शुगर सिरप बनाना बहुत ही इजी है। और ये देखिए, मैंने ये चीनी घर में ही मिक्सी में उसको पीस के पाउडर बना लिया। और आप जब भी केक के लिए शुगर सिरप बनाएं तो उसका क्वांटिटी 3:4 होना चाहिए, मतलब चीनी 3 टेबलस्पून और पानी 4 टेबलस्पून। और यहाँ पर मैंने बॉयल वाटर का यूज़ किया है ताकि चीनी जो है अच्छे से घुल मिल जाए। और इसको हमें चाशनी नहीं बनाना है, बस हमें चीनी को अच्छे से मिक्स करना है। और ये देखिए, पूरा पानी में चीनी डिसॉल्व हो गया और इसे अब हम साइड में रख देंगे। नेक्स्ट, अभी मैं पाइपिंग बैग बनाऊंगी और ये भी मैंने घर पे ही बनाया है पाइपिंग बैग। तो आइए देखते हैं मैंने कैसे घर पे ही पाइपिंग बैग बनाया है। और पाइपिंग बैग बनाना भी बहुत ही सिंपल है। बस आपको एक ट्रांसपेरेंट इस टाइप का पॉलीथीन बैग चाहिए और टेप, सेलो टेप ले लीजिए या फिर कुछ भी टेप और सीजर। और अभी हम इसको कट करेंगे और जिस तरह आप मेहंदी के कोन बनाते हैं सेम उसी तरह पहले एक कोन बना लेंगे और उसको ऐसे टेप से सिक्योर कर लेंगे। और यहाँ पर मैं ब्राउन टेप का यूज़ कर रही हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे कि मैंने टेप को किस तरह पाइपिंग बैग पर लगाया है। तो ये देखिए, सेम आप जिस तरह मेहंदी के कोन बनाते हैं वैसे ही बनाइए। और ये देखिए, हमारा पाइपिंग बैग बन गया। अभी बस उसका नोजल हमें बनाना है। तो नोजल बनाने के लिए मैंने इस टाइप का डिस्पोजल ग्लास लिया है और ये थोड़ा हार्ड मटेरियल का है। ये देखिए, मैंने ये डिस्पोजल ग्लास ले लिया। और डिस्पोजल ग्लास को भी इस तरह आप लोग काट लीजिए। देखिए, और इसको भी मैं कोन शेप देने की कोशिश कर रही हूँ। ये देखिए, और इसमें भी मैं सेलो टेप लगा लूँगी और उसका मुंह आप अपने हिसाब से रखिए, आपको कितना ब्रॉड चाहिए। ये देखिए, मैंने थोड़ा उसका मुंह ब्रॉड रखा है। ये हम पहले टेप लगाएंगे, उसके बाद सीजर से उसको कट करेंगे और अपना पसंदीदा स्टाइल बनाएंगे। इसमें मैंने स्टार नोजल एंड पेटल नोजल बनाया है। और स्टार नोजल बनाना बहुत ही इजी है, तो आप वीडियो पे देख पा रहे हैं मैंने इसको किस तरह कट किया है। तो एक हमारा नोजल स्टार नोजल बन गया और एक पेटल नोजल। अगर आपके पास पाइपिंग बैग नहीं है तो टेम्पोररी आप इस तरह से बनाकर
यूज़ कर सकते हैं। अभी इसको भी बना के मैं साइड पे रख लूँगी। नेक्स्ट और एक बात बताना चाहती हूँ, अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप क्या करिए, सिंपल वाइट पेपर, प्लेन पेपर जो होते हैं वाइट कलर का, वो लीजिए, उसमें थोड़ा ऑयल लगाकर उसको कपड़े या कॉटन से पोंछ डालिए, ठीक है। तो उसको भी आप एज ए बटर पेपर यूज़ कर सकते हैं, वो इक्वली इफ़ेक्ट करेंगे एज ए बटर पेपर। तो वो भी हमारा हो गया, और बस अभी इसको सब कुछ साइड में रखेंगे और हम लोग केक बनाने के प्रोसेस में जाएंगे। लेकिन इस वीडियो पे मैं आप लोगों के साथ केक की रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ, वो मैं आप लोगों को किसी और वीडियो में शेयर करूँगी। तो हमारा केक तो बन रहा है, इसी बीच मैं अपनी बेटी को भी देखने आ गई हूँ, तो वो तो पेंटिंग करने में बिज़ी है, तो उसे मैं पूछ रही हूँ तो ये क्या बना रहे हो, तो उसने बताया कि ये ममक, ये गर्ल है और ये फिंगर्स है। तो मैं उसको बोल रही हूँ हमारे पास तो फाइव फिंगर्स होते हैं, तो तुमने 4 क्यों बनाया। तो वो मुझे समझाने की कोशिश कर रही है कि उसने 4 क्यों बनाया है। देखिए मैं उसको दिखा रही हूँ कि देखो ये रॉन्ग है, आपको 5 फिंगर्स बनाना है। तो उसने बाद में उसको 5 बना लिया। और चलिए अभी आप लोगों को मैं अपना केक भी दिखा देती हूँ, और ये देखिए मेरा केक बनके रेडी हो गया। इसकी रेसिपी मैं श्योर आपके साथ शेयर करूँगी। और आप लोग वीडियो पे देख रहे हैं मेरी बेटी मतलब इस गर्मी में भी फुल स्लीव का टॉप पहन रही है, तो आप कमेंट करके बताएं कि आप लोगों की बच्चे भी ऐसे करते हैं, जब ठंड के मौसम रहते तो वो स्लीपलेस पहनती है, और जब गर्मी के मौसम रहता है तो वो फुल स्लीप पहन लेता है। और ये देखिए मेरी बेटी डांस करने में बिजी है, उसको डांस करना बहुत ही पसंद है। तो अभी इसमें तो मैं आप लोगों को म्यूज़िक सुनाई नहीं दे रहे, क्योंकि हो सकता है अगर म्यूज़िक आ जाए तो कॉपीराइट का स्ट्राइक पड़ जाए मेरे वीडियो पे, तो इसलिए मैंने म्यूज़िक को म्यूट करके रखा हुआ है। और इसकी डांस देख कर आपको समझ में आ गया होगा कि वो कौन से गाने पर डांस कर रही है, जो एक वायरल गाने पर डांस कर रहे हैं। और शाम के समय हम लोग थोड़ा बाहर निकल आए, और इस बार हम लोग मंदिर जा रहे हैं। और ये देखिए ये पूर्व तिरुपति शिव बालाजी टेम्पल है, और ये एक हिंदू टेम्पल है जो साउथ इंडियन आर्किटेक्चर के हिसाब से बनाया गया है, और ये भगवान वेंकटेश्वर मंदिर है, और जिसे हूबहू जो ओरिजिनल तिरुपति बालाजी टेम्पल है उसी की तरह बनाया गया है। और यहाँ पर अगर आप गाड़ी लेके आते हैं तो उसके लिए पार्किंग की फैसिलिटीज़ भी दिया गया है, और यहाँ की पास में ही आपको साउथ इंडियन डिशेस का भी लुफ्त उठा सकते हैं। साइड में ही आपको फूड स्टॉल भी देख जाएंगे जो बहुत टेस्टी डोसा वगैरह मिलते हैं। बिसाइड दिस टेम्पल एक पार्क भी है जहाँ पर यू कैन एन्जॉय ए स्प्लेंडिड इवनिंग। तो आप जब भी आसाम आए और गुवाहाटी विजिट करने जा रहे हैं तो इस मंदिर को विजिट जरूर कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और इस मंदिर के सराउंडिंग यू कैन हियर द चैंटिंग ऑफ मंत्रस व्हिच गिव यू ए रिलैक्स एंड पीस ऑफ माइंड। और मंदिर से आने के बाद ये देखिए किचन में चाय बन रही है, और अन्वी उसके डैडी के कंधों पे चढ़ गई। जब तक ये चाय बनते रहे मैं आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आए तो उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।